मैं नॉर्थ रांची में रहती हूँ। मैं 6 साल से इस कंपनी में जॉब कर रही हूँ। काम ही मैंने इधर सीखा है और अपने 4 बच्चों को अकेले लेके चल रही हूँ। जब मैं ये ग्रुप ज्वाइन कर रही थी तो इसमें मैं नर्वस हो रही थी, जैसे बहुत कैसे क्या होगा, किस तरह से क्या बात करनी होगी। अब जब मैनेजमेंट ने मुझे सपोर्ट किया, कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने मुझे कि तुम ये कर सकती हो, ये हो सकता है काम, तो मैं इस वजह से मतलब मैं करती रही फिर भी काम जो है ना, तो इस वजह से मैं आगे बढ़ती हूँ। जैसे लेडीज़ों ने मुझे बोला कि एक रूम नहीं है, लेडीज़ रूम होना चाहिए, वो मैंने आगे बोल रहा, तो मतलब आगे मैंने बात करी तो वो बना, उस पर काम हुआ। तो जब वो बना तो मुझे इस बात पर बहुत फ़ख्र महसूस हुआ था, और मतलब उन्होंने मेरी सुनी बात, और इसलिए वो जब लेडीज़ रूम बना तो उसमें लेडीज़ें रेस्ट करती, मतलब एक प्राइवेसी हो गई थी उनकी। जब मैंने ये लेडीज़ रूम बना तो उन लोगों का एतमाद वगैरह मुझ पर ज़्यादा बढ़ा, और उन्होंने मुझे आगे से और अपनी प्रॉब्लम शेयर करी और आगे से उनके मसले मसाइलों को हल किया, तो रिस्पेक्ट करने लगी वो मेरी बहुत। इस कोर्स से पहले हम स्टिचिंग के लिए बंडल उठाते थे तो वो हमें उठ के जाना पड़ता था। ये स्कोर हुआ तो उसके बाद ये फ़र्क पड़ा कि हमें बंडल हमारे हाथ में और एक्स्ट्रा बंडल रखा हुआ होता है, मतलब जो काम 2 घंटे का होने वाला होता है वो आधे घंटे में 1 घंटे में हो जाता है। इस काम से मेरी पर्सनल लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं रिलैक्स होके यहाँ से अपने घर में जाती हूँ, अपने बच्चों में रहती हूँ, मतलब उनको भी टाइम देती हूँ। जो चीज़ मैंने यहाँ सीखी कि कोई एक मसूल जगह है, उस चीज़ को जगह पे ही रखें, ऐसे ही मैंने अपने घर में ही ये काम करना शुरू करा कि कोई इधर उधर चीज़ें पड़ी होती हैं उनको मकसूद जगह पे रखें, और बच्चों को भी ये बोला कि जहाँ से चीज़ उठाइए वहीं रखें।